बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम पिशावरियों, अस्सलाम वालेकुम हिंदुवान। दिस इज़ योर बॉय शारजी एंड वी आर लाइव एट दिल पिशोरी मशरिक टीवी दे नवे एपिसोड। जनाब मैं तुहाड़े सारे हूँ, एक दफ़ा वत खुश आमदीद कहना, एक दफ़ा तुहानू वत वेलकम कहना, एक दफ़ा वत तुहानू खैर नल आओ जी। ये भी नया लफ्ज़ मैं पा छोड़ा है, अक्सर मैं गिला आया कि यार वेलकम तू कहना है, तो मैं कि जम जम आओ तुम, ठीक हो गया हूँ सही है, तुम भी पीछे ही बह जाते हो यार, तुम भी अगले थे बिल्कुल ही पीछे ही, कितने क्यों किया है, ठीक हो गया, जम जम आयो जी, खैर न लाओ ते जी। मतलब ये शो थोड़ा है, बल्कि मैं ही कुछ है ही नहीं गा, थोड़ा शो है जनाब, तो तुम इस नवे एपीसोड मैं तुम बहुत ज़्यादा खुश आमदीद कहना। आई होप कि जो लास्ट एपीसोड्स है पिशावरी वाइंस जो एपीसोड आया या उसकी पहले जो सारे टॉपिक डिस्कस किया है, ठीक है जी, और तुम्हें पसंद आए उस दिन, मेरी कोशिश होती है बस, बाकी लैंड तो ही चलाते हो, मेरी कोशिश होती है कि कोई अच्छी गल, कोई नवा कॉन्टेंट, कोई कोई ना कोई जी गल जिससे मैं कह यार शाह साहब अच्छा काम किया है तुम्हारे, ठीक है जी, वाला गला था बहुत और गला ही तो करनी आ गई सानू, लेकिन है नहीं, हाँ असी इसी रिवायात नू अगे लैके चल सी है। एक और बड़ी मज़े की गल यार अजकल ना, अच्छा टॉपिक थोड़ी देर बाद इस कर सब, ठीक हो गया, पहले गल अजकल व्याहवा का सीजन शुरू है जी, अगर मतलब एक 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 लोग हैं ना, उन्हें पांच पांच छे छे बच्चे होते हैं, ठीक हो गया, असी हर बच्चे के विवाह पर जाने पे, इस्लामाबाद भी जाने पे हैं, है जी करोला गड्डिया रेंट पर कराई सारे जाने पे हैं, साढ़ा विचकार थोड़े जो लांझा आ गया, उन्हें तो एक ही बच्चा आया जनाब, उन्होंने सानू कार्ड ही नहीं दिता, ठीक हो गया, असी हर एक विवाह से जा जा के पांच पांच छे छे बच्चे भुगताए, तो जो साड़ी वारी आई है तो उन्होंने मुँह से जा छोड़ा है, ये ना कर सो, ठीक है जी, अगले को कार्ड देना है तुमने, अगला आवे कि ना आवे, ठीक है जी, अगले को कार्ड दियो, उसकी वजह होती है कि वह भी तुम्हारे पांच बच्चे के विआह, पांच बच्चे के विआह से लाहौर तो कुल, इस्लामाबाद तो कुल, पिंडी तो कुल, है जी कमरे भी अपने पैसे तो कराए, लेकिन है नहीं आओ, दुनिया का दस्तूर है कि जो तो कुल हालात ठीक है गल बन दी है, तो हालात खराब हो थोड़ा जहा मामला आउट ऑफ साइट है नहीं आओ। अगर आप थोड़ी जी मेरी आज तबीयत डाउन है, तो मैं रिक्वेस्ट कर सा अपनी दिल पिशोरी टीम सी, अपने दिल पिशोरी फैमिली सी, तुसी सारे सी, कि अगर आज थोड़ा जहा मैं पीछे होवा तो जरा मैं हल्का जहा तिग्गा दे देना कि नहीं शाह साहब तुमने नहीं रुकना, ठीक हो गया। अच्छा आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है, मैं टॉपिक इंडोर्स करना उसी बाद उसकी गल करने, नेकी जनाब बड़ी अच्छी शय है, हर इंसान नू जिंदगी च नेकी करनी चाहिए है, अच्छा करना चाहिए, इनू कहते हैं पिछोरी कहते हैं मैं तेरे नाल अच्छा किया, ठीक हो गया, नेकी करनी बड़ी जरूरी है, तो एक इंसान नू चाहिए भी है कि अगले इंसान नाल दूसरे इंसान नाल नेकी करे, उदा हाथ पकड़े, है जी उदा अच्छा करना है, ठीक है तुम अच्छे रह गए हो, ये वाला कम ना हो जी, अच्छा कर देवे। अच्छा नेकी तो इंसान कर लेंदा है उस टाइम, जज्बा भी बड़ा अच्छा होंदा है कि नहीं जनाब ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा पुपीवाल है, मेरा मासीवाल है, ये साड़ा है, ये कहते पट्टे शरीर को, अच्छा हो गया जी, ठीक हो गया। जो वक्त गुजर जाता है हालात, मैं किसी गल की कि हालात एक तरीके नहीं रहेंगे, ठीक हो गया, मतलब लांझा आ गया फॉर एग्जाम्पल, माँ दी मैरिज मसा पै गया या केस हो गए एक दुए थे, तो अगर हालात खराब होते हैं तो यह नहीं करना चाहिए कि अगर तुमने किसी ने एहसान किया हो, कोई नेकी की हो, उस नेकी नू दोबारा जितलाना, जनाब ये आज का टॉपिक है कि नेकी कर और दरिया में डाल, मतलब तुमने नेकी की है तो नाल ही शाहपुर पार गए सामने ना दरिया साइड पिया कि बाबा ये मेरा कम नहीं, ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल के, एक नेकी करके तो बाद जितलाना अगले को बताना कि गल सुन यार तुम्हारे घर तक खाने दरुक नहीं लगती तुम्हारी तो बाबा खाने की दरुक नहीं लगती, असी आया जिन्हें तुम्हारा हाथ पकड़ा है, बात समझ रहे हो, तो मेरा आज का टॉपिक है नेकी कर दरिया में डाल। जनाब तुम मैं कॉल कर सकते हो, अगर तुमने भी जे अपने इर्द गिर्द लोग देखे जो नेकी कर दें तो बाद जितलाते कैसी ना होंगे ना, तो तुम्हारा है ना एक हार भी ना होता, गल समझते हो, तो अगर तुमने भी इस कोई करैक्टर्स अपने इर्द गिर्द देखे ना, अपने पड़ोसे च, अपने पुपीवाला ला लो जी, कोई मसला भी नहीं गा, जिधर भी देखे ने जरूर मनु बताओ कि जनाब नेकी कर दरिया में डाल वाला कॉन्सेप्ट है हूँ भी है कि नहीं गा, कि हूँ भी लोग नेकी करके जितलाते यानी जितलाते नहीं गया, नहीं आओ इस नंबर से तुम कॉल करो, ये सफर तुहाड़े बगैर जनाब बिल्कुल मुमकिन ना हो सी, मेरा कम आया शो इंडोर्स करना, बाकी द्वारा काम मेनू लेके चढ़ना जरा, ठीक हो गया, वेरी गुड कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन किधर पे गल कर दियो जी? चले बेटा चुगलपुरा सी अपगोल शागुल सी सब
ठीक ठाक हो खैरियत जी कुर्बान बच्चे इस्लामाबाद भी साडा कमरा तसन मा अलवान जंदर हफ्ता इतवार अच्छा ठीक है बच्चे असी बड़े शौक ना माशाल्लाह माशाल्लाह तेरा अंदाज बयान ते इसमें लग दे कि संग साडे कोल बच्चा खलो तो है अरे जनाब मैं तोडी तोडी दुआवा दा मोहताज है ए बताओ बाकी कार वाले किसंगन जी शुक्र है बच्चा तेरी अल्लाह तेनु जिंदगी देवे और इसी तरह साडा नाम ऊंचा कर देगा आमीन शागुल शागुल बैठी ने मेरा सलाम देना जी सब पे तेनु बड़े अच्छे और इस्लामाबाद जो साढ़े बच्चे आए ना जिन्होंने कान में ना दी थी सानू तब मिलती ही नहीं आई ना अच्छा ठीक है ठीक है बड़े शौक नाल तनु देखने और अल्लाह तनु अल्लाह ताला तुहानु जिंदगी देवे जी ते मैं तुहाडी दुआवां दा सिला मा जना बड़ी मेहरबानी तुहाने कॉल कीती है ए मेरी मेरी दादी भी है मासी भी है मेरा सब कुछ बहुत शुक्रिया तुहाने कॉल कीती है एक और कॉलर मेरे कॉल अस्सलाम वालेकुम जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहिबा किधर पे गल कर दें जी जी आसमा बात कर रही हूँ मोहसिन अच्छा आसमा साहिबा कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं खैरियत है जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है जी आज का शो आप देख रही हैं नेकी कर दरिया में डाल जी बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं हम लोग सारी फैमिली इकट्ठे ही बैठ के देख रहे हैं आपका शो ठीक है लेकिन इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वैसे ये बोलना चाहूंगी कि आप ये कह रहे हैं ना कि एक बंदा आपके साथ मुश्किल वक्त में नेकी करता है ठीक है लेकिन हम उसको किसी टाइम पे फिर ताना मार देते हैं तो यार ताने की नौबत क्यों आती है उसकी नेकी का कुछ तो क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं तो हम इंसान हैं फरिश्ते तो नहीं है ठीक है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी नेकी की एटलीस्ट कदर की जाए बिल्कुल ठीक है ठीक है सही उसका है। उसका रिस्पांस ये नहीं है कि हमारी नेकी के बदले में हमारे साथ भी कोई बड़े बड़े काम ही किए जाएं लेकिन एटलीस्ट उसकी कदर तो करनी चाहिए ना हाँ, बिल्कुल आप खुद सोचें कि आपने कभी किसी के साथ बड़ा मुश्किल वक्त में साथ दिया हो लेकिन फिर वक्त आने पे वो बंदा आपके साथ इस तरह का बिहेव करे कि जैसे आप कुछ जानता ही नहीं है और आपकी कोई हैसियत अच्छा है। आसमा साहब मुझे एक बात कर रहे थे यहाँ पे ये तो ज़र्फ की बात ना होगी चले आपने अच्छा किया है अगला अच्छा नहीं कर रहा ठीक है जी तो इसका मतलब ये है कि जी वो थोड़ा सा तो ज़र्फ की बात है ना आपने अपने ज़र्फ के मुताबिक किया उन्होंने अपने ज़र्फ के मुताबिक किया जी बात खत्म हाँ नहीं नहीं ये तो ठीक है ये तो फिर आप छोड़ देंगे ना अब ये तो नहीं हाँ ये बहुत बुरी बात है कि सामने बैठ के उसको याद कराना कि मैंने ये हाँ, किया मैंने ये किया ये बुरी तुम्हारे कार रोटी भिजवा दी ऐसी बहुत हाल आया हाँ नहीं 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 ये बुरी बात है बिल्कुल ठीक है ये बात आसमा साहिबा बहुत शुक्रिया आपने तुहाने अचकाल की है ते तुहाने इस टॉपिक नु है ना एक नवी डायरेक्शन दी है कि जनाब लोग वाकई अपनी कंफर्ट लेवल से निकल कर एहसान कर दे अच्छा बड़े 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 एहसानात मैं देखे इनके लोग कर दें ठीक है जी लेकिन एक शह मनु और बड़ी ऑकवर्ड लगती है जो माँ प्यो की लड़ाई होती है मैं इस पर गल कर रहा कॉलर ऑन मेरे कॉल अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी जनाब अली कौन साहब कितने पे गल कर दियो जी महबूब जी महबूब साहब तुम मेरे दिल दे महबूब तुम्हें पता है गल जी बिल्कुल जी बहुत पता है गल बस ठीक हो गया जी अमीन अमीन शो में देखते हो महबूब साहब महबूब भाई असि तक गल भुले तो है नहीं गियाँ सानू याद है लेकिन मैं कहना जो हालात खराब हो जाते हैं तो वह महफूल बैठ के थोड़ा पुछड़े वाला कौन आया असि ना होंगे तो यह गल क्यों कर दी बात है खास तौर पर साढ़े पिछोड़ी घर गल बहुत ज्यादा होंगे ठीक है मैंने तेरे एक ही ताया मैंने तेरे एक ही तेरे घर रोटी नहीं रोटी भिजवाना है मैं करना है मैं करना है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही है मैं सुना जी कहते जी थोड़े प्यो को प्यो कार ही नहीं आता है तो असं थोड़ा इलाज कराने देखो चलो कराते भी आयो तो बताने की इतनी महफिल बताने की क्या जरूरत है जनाब खास तौर पर भैन भाव जब बैठ दिन बड़े ने कुछ कितों होंगे वो मैं तेरे नाल ही कीता है मैंने तेरे नाल ही कीता है मैंने तेरे नाल ही कीता है ठीक है नहीं इन्हां नूं कहो नाल स्टाम भी कर ले करो कि मैं ये कीता है थोड़े नाल ठीक हो गया ये गल और गल सुनो इस पाने शादी की गल की थी उन ये थोड़ी शादी कदों बादशाह जी कैसी आई कुछ ये गल की थी मैं ये तो शादी की गल की कि शादियां दा सीजन है ते हां यार महबूब साहब असि पांच पांच बच्चे ते जांदे रहे हां ये तो साढ़े कार की खुशी आई अगले ने कार ही नहीं भेजा साढ़े बस दुआ करो जनाब दुआ करो अल्लाह खैर कर दी महबूब साहब बड़ी मेहरबानी जनाब थाने कॉल की थी है जरूर कार्ड दिया करो अगले ठीक हो गया कार्ड दिया करो की वजह है वे
अगले ने रेंट से गड्डी करा के आए अगला तुमने तो बिल्कुल ही अखियां सिर ते रख जोड़ी ले लिया। मैं भी गल के जनाब नेकी कर दरिया में डाल। अक्सर ये होंगे कि यार ना माँ प्यो अक्सर ही जो वे होंगे मियाँ बीवी लड़ाई हो जाती होती ठीक हो गया लड़ाई झगड़ा हो गया तबा मुका हो गया ला जी तबा पी हुई है जी तबा मुका हो गया खैर जी गल मुक गई। अच्छा कुछ होंगे रिश्तेदार होंगे या करीबी लोग होंगे वो आते हैं तो जनाब माँ प्यो की ना आप सोलह खैर है तू चुप कर तेरे मुँह से एक बहर लै जाते हैं जरा माहौल ठंडा कर दे कि तेरी गलती है मेरी गलती है गल मुक गई। उस गल में 15-20 साल लग जाते हैं अगे बचे हो जाते हैं। एक दिन बच्चा बैठा होता है रोटी पे खाता होता है तो वही बंदा आंदे कि तेनू पता वे अगर मैं ना आता तेरे माँ प्यो के विचकार तो तेरे माँ प्यो का वखरे यार इतनी गल कौन करता यार है जी खाली एक गल भी कि मैं तेरे माँ प्यो की सुलह कराई गल पता ही तेरा प्यो का अच्छा तेरा प्यो तो अच्छा आदमी नहीं है सामने उन्होंने समझाया है कि बाबा ये संग ना कर दे संग कर बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। मैं बता रहा हूँ तुम सबको ठीक हो गया किसी के साथ भी कोई नेकी करो कुछ भी करो जनाब उन्हें जितलाओ ना उन्हें मतलब उन्हें बताओ ना अगर बताना भी है ठीक है जी उसका अपना अंदाज है उसका अपना अंदाज है कल कल हो कि यार गल सुन अच्छा किया है तू भी अच्छा कर ले कॉलर मेरे को सलाम अलैकुम जी। सलाम अलैकुम जी। जी जनाब अली कौन साहब कितने रुपये गल कर दें जी। जी पिशावर से मैं बोल रहा हूँ हफीजुल्ला। हफीजुल्ला साहब बात कर रहे हैं जी। जी जी हफीजुल्ला पिशावर में कहाँ रहते हैं आप। पिशावर में मैं ये कोहाट रोड पे रहता हूँ। अच्छा कोहाट रोड पे रहते हैं। हफीज साहब आज का शो आप देख रहे हैं जनाब। जी जी बिल्कुल मैं देख रहा हूँ इसलिए मैंने कॉल की आपको। जी प्लीज। और खुशकिस्मती से मिल गई मुझे। अरे वाह क्या बात है। अच्छा और दूसरी बात ये कि आपका अंदाज बहुत अच्छा है बहुत प्यारा है। थैंक यू जिस तरह वो चॉकलेटी हीरो हमारा होता था ना उसी तरह आप चॉकलेटी बातें कर रहे हैं। कौन सी बातें कर रहा हूँ। चॉकलेटी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैं एक चॉकलेटी बंदा बन गया बहुत आला यार वही बुरादा सही हो गया। जी, जी, अच्छा आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। जी आज के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि नेकी कर दरिया में डाल। दरिया तो नहीं लेके जाता लेकिन इंसान लेके चला जाता है भूल जाता है। और दूसरी बात ये कि आजकल लोग बगैर गरज के किसी के साथ ताल्लुक ही नहीं रखते और इससे तो हमारे पिशावर से पंजाब का माहौल अच्छा है। अच्छा नहीं जनाब माहौल अच्छा होता है। जी, अच्छा फिर साहब ये बताएं पकाया क्या आपने आज ये बताया मुझे भूख लग रही है यार थोड़ी सी। पकाया तो हमने वो था ये सीखी कबाब बनाए। क्या बनाए थे जी। सीखी कबाब। अच्छा सीखी कबाब अरे वाह आज तो मजे है जनाब आपके मजे है। अभी साहब सर्दी भी है ना इसमें। हाँ सर्दी भी है और दोस्त मोस्त भी आ जाए तो बड़ा मजा आता है कबाबों का फिर सही है। बिल्कुल जी हम तो बड़े मेहमान नवाज है पठान तो होते हैं मेहमान नवाज। अच्छा आप कहाँ से बेसिकली है कहाँ से पीछे से कहाँ से हैं आप। यही क्या यही मैं पैदा हूँ तकरीबन ये। ते इनको तो आनु समझ आती है इनको समझ आ रही है आपको। जी 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 इनको मुझे समझ आती है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। स्तासो तार जी डेरा मेहरबानी स्तासो कॉल रखो जी। ओके जनाब बड़ी मेहरबानी जनाब। देखो जी मेरे प्रावन इन्होंने उधर भी कॉल की थी तुसी भी कॉल करो अगर बैलेंस नहीं कर रहे थे जी लोड करा लो जी। देखो क्या हफ्ता इतवार तुम्हें जरूर कॉल करनी होती है वजह होती है कि तुम ये शो लैके चल दो मैं जनाब अपनी जगह खलोते रहना ठीक हो गया। गल पे होती है कि जी माँ प्यो का लंच हो गया है चाचा साबुर आ गया उन्हें बचा छोड़ा है 25 साल बाद चाचा साबुर बताता है कि यार मैं उस खानदान का वड्डा वा क्योंकि मैं तेरे माँ प्यो की सुलह कराई ठीक हो गया। तो बच्चे वो गल सुन दें जनाब उन्होंने एम्बेरसमेंट होती है कि यार काश साढ़े प्यो ने उस टाइम लड़ाई ना की होती तेरू ना बुलाया होता यार इधर पिछा ही पेटी छोड़ता पिया ठीक हो गया। खाली ये मामला नहीं गा इसके अलावा और बहुत सारे मामलात हैं जिंदगी दे जिस से असं ये फील करने हैं कि लोग अपनी नेकी नू जितलांदे हैं बारह हाँ जितलांदे हैं जो तो कल तुहाड़े कन्ना च उन्ना पूरा पानी ना भर दुन के बाबा ये मैं किया यार ठीक हो गया जनाब वो तुम्हें छोड़ सकना। एक और बड़ी मैं देखी है कोई बीमारी आ जाए कार ठीक है जी हर बंदा दौड़ता है कोई जाता है कोई आंदा है ठीक हो गया किसी ने खून देता उसी है जी। अच्छा साढ़े पिछोड़िया एक बड़ी मशहूर गल है कि यार खून जरूर दे दें कुछ और दे कि ना देिए ऐसा देिए कि ना देिए ऐ कार बुलाइए कि ना बुलाइए कार्ड देिए कि ना देिए खून जरूर दे देने यार मेरे घर कॉलर हैं। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। जी जनाब अली कौन साहब कितने रुपये गल कर दें जी। हेलो मैं सर मोहम्मद कदीर फैसलाबाद से सर। जी जनाब किसन को ठीक ठाक को खैरियत है। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक जनाब। आज फैसलाबाद से मेरे ख्याल दूसरी कॉल आई है आज दस शो पे देख दे हो क्या कहना चाहो मनु। सर टॉपिक है आपका मैंने सुना नहीं। टॉपिक है जनाब नेकी कर दरिया में डाल।
नेकी कर दरिया में डाल। आज बात योजी ठीक हो गया सर। नेकी की मैं क्या मिसाल दूं आपको जी, के इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है सर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ वफा की बात आती है तो यही इंसान कुत्ते की मिसाल देता है कि जी वफा तो कुत्ते में हमसे ज्यादा है। वाह क्या खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। लेकिन जबकि हम अशरफुल मखलूकात हैं, इसलिए जो है ना हमें जो है ना हर चीज का ख्याल रखना चाहिए, नेकी का, छोटों का, बड़ों का, सबका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। फैसलाबाद में आप कहाँ रहते हैं जनाब, ये बताइए ना हमें थोड़ा सा यार अपने बारे में। मैं सर समुंदरी रोड पे अडर जिक्र सर। अच्छा ये बताइए फैसलाबाद में सबसे अच्छे खाने की चीज कौन सी मिलती है? हेलो सर, ढूंढने पे सारा कुछ ही मिल जाता है सर। क्या मिलता है? ढूंढने पे सब कुछ ही मिल जाता है सर। अच्छा क्या बात है जनाब, इंशाल्लाह असली चक्कर लगासी है फैसलाबाद भी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जनाब, तुमने कॉल की थी है, बहुत मेहरबानी। फैसलाबाद होवे या कोहाट रोड होवे जनाब, मेरे पुराने गल की थी कि वफा का ताल्लुक होता है, मेरा मानना ऐसे है कि वफादारी का ताल्लुक होता है खानदानी रिवायात से। ये मेरा मानना है जनाब, ठीक है जी, कि वफादारी एक दिन च नहीं आँदी, वफादारी आँदी है खानदानी रिवायात दे यू नो सीने से चढ़ के आँदी है। एक बंदा तुम्हारे सामने बड़ा भी अच्छा हो सी, लेकिन अगर उसने खानदानी रिवायात नहीं की उस हिसाब न, ठीक है ते जनाब फर्क नहीं पैंदा कि वो किधरों भी आया है। नेकी कर दरिया में डाल, माय टॉपिक खून असी पे गल कर रहे हैं बीमारी थे कि एक बंदा बीमार है, हर बंदा जानता है कि यार मैं खून देना वा, मैं जाना वा, बहुत अच्छी गल है, बड़ा वड़ा जज्बा वे, लेकिन जिससे कि वो बंदा ठीक होया और छोड़ा ला ले छोड़ना मेरा खून विचकार आई, देख लो जी गल में समझते हो। मेरे घर कॉलर सलाम अलैकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अजहर साहब, किसम को जनाब ठीक ठाक हो, खैरियत जी? यार ऐसे कमाल है कि बने बड़े से बात फोन की तो मेरी आवाज वाती पहचान ली थी। तुम्हारी आवाज ही आप ये गरज है जनाब, आपकी गरज है आवाज दी। और साहब क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक हो, खैरियत जी अजहर साहब? बस यार जी जी, आज का टॉपिक तुमने सुना है नेकी कर दरिया में डाल, के कहना चाहते हो इस हवाले? नल नेकी कर दरिया में डाल दा, बड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है थोड़ा लिखा कर लो दिखा रहे जी। खो मैं तो आनो ये गल करता, एक पुरानी जी गल करता कि सब कुछ सीखा हमने, हां हां, न सीखी होशियारी। अदर साहब जरा एक गुनगुना के नहीं सुना सकते? गाना भी है मेरे ख्याल से, एक इंडिया का गाना बड़ा पुराना, राज कपूर के होते फिल्माए है। अच्छा कहते सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, और सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। हेलो हेलो सुनाया तो हेलो हेलो जी अदर साहब, मैंने क्या शेर मने से सुनाया तुम्हानू जी के हूं तो कुल मैंने सारे मैं शुरू से प्रोग्राम देखना पिया। हेलो ओके अदर साहब, मैं रिक्वेस्ट कर सा कि अगर साहब अगर तुम दोबारा कॉल कर सको, बिकॉज गल बड़ी मजे दी भी फ्लो पकड़ दी पड़ी। यही सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। बट जनाब असी अनाड़ी भी हाँ, लेकिन असी खिलाड़ी भी हाँ, है ना, असी दुलाड़ी भी हाँ, साढ़े बड़े बड़े रंग उस रंग ढल के ए दिल पिशोरी नाम है, दिल पिशोरी नाम है डिफरेंट रंगा दा। देखिए जी तुसी सारे रंग हो ते मैं एक पेंटर हाँ, सारे रंग आंदे न असी पेंट कर रहे हैं, नवी शह कट ले और वेच देने पैसा। ठीक हो गया, उस तो शायद देख रहे हैं तो अगे चलते रहने हैं। एक और जी मैं गल पर कर रहा कि बीमारी के हवाले नाल भी लोग अक्सर जा के यार मैं गया, तुम्हें तो पता है तेरे को तो कोई रात भी नहीं रहता यार, ये तो मैं आया कि मैं कमरे के बाहर बिस्तरा पाए हैं यार, बिस्तरा ना पाँच से ही सो जो यार। ठीक है जी, अगर सो गए हो ना रात को, मेरे साथ बात सुनो, अगर कमरे सी बात तुमने रात गुजार छोड़ी है, ठीक है, तो वो अच्छी गल है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कल वो शायद तुआड़े नाल भी आ सकती है, अल्लाह ना करे वो मजबूरी तुआड़े वाल भी आ सकती है, तो ये बंदा भी जरा रात गुजारी है रब ये भी कल तुआड़े वाल आसी, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए है जी तेरे को टूटे नहीं आए थे 2500 रुपया मैं दवाई देता है, ये इन्ने मामूली मामूली बातें। मेरे को एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी। अजी साहब अदर पर गल करना जी। अदर साहब वेलकम बैक जनाब, असी पे इंतजार कर रहे हैं तुआड़ा, के कहना चाहते जी? मैं तो सिर्फ एक कहना चाहता एक दूसरी शायद सुना सा ने कहते जिदी गल मुक जाए जिदा दिल टूट जाए जिन्हू चोट लगे ओ जाने वाह ते दुखी दिल दा हाल की जाने लोग बिगाने जिदा दिल टूट जाए। मैं क्यों किया जी क्यों किया? मैं तुम्हें तो दो शेर सुनाए नी, पहली काल दे चार के सब कुछ सीखा। देखो मेरी गल सुनो जी साहब, इंसान जिस टाइम बिल्कुल पीक ते पहुंच जाता है ना, पीक से
नक पर दम, जिस तरह से इनको कहने आ रहा माता पर नको नक आ गई, नक पर दम आया हुआ। बहुत अच्छे, ठीक है ना, ठीक हो गया जी। तुसी एक बंदे नाल अच्छाई कर दियो, इस कोई शक नहीं गा, अगर जिस नु अल्लाह ताला ने वसीला बनांदा है, अच्छाई किस नाल करदा है तो अल्लाह ताला उससे वसीला बनांदा है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर एक बंदा उसके नाल उसके अगेंस्ट, ठीक है ना जी, उस ना रिस्पांस देंदे, बल्कि उसके अगेंस्ट उसके नाल वो अपना बिहेव अपना एटीट्यूड गलत कर लेंदा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। उस टाइम याद दिलाते हो कि यार गल सुन यार, मैं तेरे बुराई की की है, पर मेरे कि तू मेरे पे काम कर रहा है, क्या खूबसूरत बात है ना, ठीक है, ठीक है ना। इंसान उस टाइम वो चीज रिपीट करता है, उस नु कहता है कि जिस टाइम उसका दिल टूटे, दिल टूटे, अरे वाह 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 साहब, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। मैं तेरे नाल इतनी अच्छाइयां कीतियां, सब कुछ कीते, ते मेरे पे करदा क्यों है, जक रेवे पर आ, मैंने आजकल तो मैं कहना हुआ ना कि नेकी कर दरिया में डाल ना, बल्कि जिस ना नेकी करे ना उसनु चुक के दरिया दे चार साटो। आजकल इजा दौर आए है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, आजकल नेकी दा दौर ही नहीं दा पर आ मेरे, आजकल किसी दाल चक्कर है, वो पुराने वो खुद होंदे कि लोग कदर करदे होंदे नेकी दी, ते किसे नाल एहसान करदे होंदे, तो लोग मतलब आदर साहब जिदे नाल नेकी करा उनु चुक के दरिया, उनु चुक के दरिया छटो, समझ आ गई ने। और तानू मैं किसा एक मिनट देसो मनु जी जी, प्लीज लो लो। अच्छा हेलो जी जी, हेलो, मैंने क्या एक किस्सा सुनाना है निका जिया जी जी। और इसमें गोया है कि एक दरिया के चार एक बच्चा गिर गया है ना, अच्छा, ठीक है ना, तो वो सारे लोग को तमाशा कर दे, तमाशा पे कर दे, कोई खुद ही नहीं मार दे बच्चे को छुड़ाने बचाने वैसे ना, तीसरे जो देखा था एक बंदे ने गल खुद मार छोड़िए, अच्छा, उन्हें बड़े गोते मोते मारे, गरीब तैराकी भी नहीं आती, गोते पे मार दे मार दे, आखिर उस बच्चे को हाथ पाया तो लोगों ने छिका से बाहर काट छोड़ा, अच्छा, और लोग बड़े तारीफ कर दे, वो यार पहलवान जी तुम्हारा कमाल कर छोड़ा, कहते ठीक है मैं कमाल का कर छोड़ा, उन्होंने दस मनु टिका किसने दीता इसने यार चार फिर जिला मुजफ्फरगढ़ है, तहसील कोटा दूतू। अच्छा जी उमर भाई, किसन हो, ठीक ठाक हो, खैरियत है जी? जी अल्लाह ना करा मैं जी। आज द शो पे देख दे उमर भाई, क्या कहना चाहो जी? बस मैं आज पहली दफा यहाँ फर्स्ट टाइम कॉलर हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच जनाब। मैं सराकी बेल्ट तो आ जरा ना जनूबी पंजाब। अच्छा ठीक है जी जी, ते टॉपिक बड़ा अच्छा है तोड़ा जरा ना, मैं अजहर भाई दी गल्ला सुन रहा था। अच्छा, बड़ी पसंद आई है जरा ना जी, आज बड़ी सोहनी गल की थी जी, बंदा ने जरा ना आजकल नेकी दा दौर ही नहीं है। आहा सही है, ते जरा बंदा जिस बंदे तुसी नेकी करोगे ते अगले ने तोड़ा उस गला ही दबाना, बस ऐसे रहना, ऐसी सिचुएशन बड़ी करी आजकल दा जरा दौर बनया पे। लेकिन उमर भाई अजहर साहब तक कहंदे जनाब कि जदा नेकी करो ओ बंदा ही चुक के दरिया सटो जी, बात ए सही गल है जी? ते बिल्कुल सही गल, मैं वही गल कीती ना, मैं वही के तन्नू दोबारा उदी रिपीट ही कर रहा कि जैसा तुसी नेकी करोगे ओही तोड़ा गला दबाएगा। बिल्कुल ठीक है जनाब, मैं लेना मैं एक ब्रेक, एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक माय पीपल। वेलकम बैक, ते आज साड़ा टॉपिक है नेकी कर दरिया में डाल। मैं तो शुरू से बताया कि जनाब आज मेरी तबीयत बहुत डाउन है, ठीक है जी, लेकिन अगर वक्त भी मैं अपनी पूरी एफर्ट नाल मतलब इधर पे खलोता है ना, तो आज थोड़ा खराज तहसीन देना बहुत बड़ी गल है, वजह है कि मैं इस पर बिल्कुल नॉर्मल फील, मतलब थोड़ा जहा तकलीफ है ना दरा दे थोड़ा जहा, अरे आओ टॉकेट असली आवी ना कर सी है, बिकॉज साड़ा थोड़ा साथ बड़ा खूबसूरत है। वेरी गुड कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो मोहसन शाह साहब। वालेकुम जी जनाब अली, कौन साहब किधर पे गल कर दियो जी? मैं जोए वाला नवाज चिश्ती हरिपुर से बोल रहा हूँ। कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत है? मैं ठीक ठाक है। सेहत और सर्दी कैसी है? सर्दी बड़ी अच्छी है जी, बड़ा मजा आ रहा है। चलगोजे तो नहीं खा रहे, मूंगफलियां खा रहे आजकल? इतनी तो फीक दे रही। अच्छा ये बताएं, शो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं अजूरे वाला मलक आबाद हरिपुर से नवाज चिश्ती बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने हमारे लिए बहुत दुआ करनी है जी। हम काफी अच्छा से पेशावर के पहले किसवानी बाजार के साथ एक मोहल्ला में हेलो माँ बाप के साथ
अच्छा वफात के बाद माँ बाप के साथ रहते थे, फिर बाप की वफात के बाद हरिपुर शिफ्ट हो गए। तो पिशावर याद आता है आपको? है जी, पिशावर याद आता है आपको? हजूर वाले मेरी बात तो सुनो ना, लेकिन उसूलन का लोलन पिशोरी हूँ। अच्छा पिशोरी हो तुसी? हाँ पिशोरी है, पिशोर जगह पुले में रहने और मैं कलियर गार्ड को साड़ी के वहाँ। ठीक है, बस बड़े अच्छे थे पिशोरों, तब भी पिशोरों बस कोई माइग्रेट हो गया कुछ, बस ऐसे कर लो कि ना सियारी पुल आ गया। पिशोर तो आनु याद आंदे हैं उन भी? एक सवाल है पिशोर आनवे जब मेरा ने पिशोर सारा मेरा अपने में सोले तो हर हफ्ते गल करते हैं, मैं गुरु आदमी हूँ। अल्लाह वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब अली चिश्ती साहब, बड़ी मेहरबानी तुहाने हरिपुर सी सानू याद रखा है, इस शो नू याद रखा है तुहाने, बहुत शुक्रिया। तुसी बड़ा अरसा पहले इस शहर से चले गए हो, लेकिन तुहाडी यादां अज भी इस शहर दे नाल मुंसलिक ने। एक और बड़ी मददी नेकी कर दरिया में डाल, साढ़े पिछोर की एक रिवायत जनाब, वो ये वे कि ना असी भराई रोटियां से बड़ी खुश हो रहे, रोटी भरने से बड़ा खुश हो रहे। ठीक है जी, मेरे को कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मुजफ्फर शाह अगर जी, कैसे हो जनाब? ठीक ठाक हो, खैरियत जी? ठीक ठाक, खैर खैरियत है मोशन बेटा। अगर जी तुमने आज मरु बचा छोड़ा है, वरना मेरा सांप पे टूट गया। मैं पे देखने, मैं पहले जरा कॉलर्स नु पे सुनना है कि उन्होंने के सूरत हाल है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह होवे तो सानी के चलो भी कॉल करके जरा या उसे भी बता। नहीं नहीं क्यों ना जी, क्यों ना, के क्या चाहते हो अगर जी? तो इस तरह के जिस वक्त अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाने का सोचा है, तो उसके खिलाफ फरिश्तों ने बड़ी मुखालफत की थी। ठीक है, अल्लाह ताला ने कि जी बस ऐसे आवा, तो बस मतलब है कि जरूरत के अल्लाह ताला ने कहा कि तुसी ता मेरी इबादत से हो, तो जड़ा तुसी रकू चे रकू चे कोई सजदे चे कोई कयाम चे कोई कायदे चे तुहाड़ी देवी हालत है जड़ी तर क्यामत रह सी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं जड़ी मखलूक बड़ा सा, वो मखलूक इस रंग हो सी कि वो तुसी खुद ही देख रहे सो। तो जिस वक्त अल्लाह ताला ने दुनिया मतलब मारे दे वजूद चाहता है, तो फिर उसने अपने इंसान के बारे दस है कि देखो ये वो इंसान ने जरा सुबह उठता है, मजदूरी भी कर दे, बाहर भी जाता है, ठीक है, नमाज भी पढ़ दे, बच्चे की भी देखभाल कर दे, तो एक दूसरे के कम भी पे आंदा है, कम भी पे आंदा है, सही है। असली गल है वे नेकी भी पे कर दे, कम भी पे आंदा है। ठीक है जी, तो ये एक किस्म का ये कि जी कम आना किसी का ये तक बड़ी अच्छी गल है। ठीक है जी, ये तो हुक्म भी है कि तुम एक दूसरे के कम आओ, तो हजूर हसन ने फरमाया कि तुम एक दूसरे जो एहसान करो लेकिन उसको जितलाओ ना। देखो गल अजर अल्लाह ताला से लेना। ठीक है ना जी, तो आने अल्लाह ताला दे अहकाम, दूसरा अल्लाह ताला दे हुक्म बगैर को पता भी नहीं हिलता, तो तुम्हारी इतनी औकात है ही ना, अल्लाह ताला ने तुम्हें तो मतलब साहिब सरवत किया ना, कि तुम अल्लाह ताला ने मकाम दिता है कि तुम किसी के काम पे आते हो, क्या काम हो गया। लेकिन उसके पीछे हजरत सलमान फारसी रहमतुल्लाह बड़े अच्छे बुजुर्ग गुजरे, तो एक दफा बैठे तो वह माशाल्लाह बड़े अच्छे नेकी दे काम कर दे रहे थे, किसी बंदे ने आके उन्होंने कहा जी फलां पे तुम्हारे पीछे गला पे कर दे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल खफा हो गए, तो उन्होंने कहने देख उस बंदे ने चौक दे बीच हवाई तीर छोड़े, वो तीर तने लिया के मेरे सीने मार। वाह क्या बात है, मेरी गल समझ गया ना, लिहाजा मतलब कहने देवे कि कोई भी कुछ ना नेकी करे उसू मतलब है कि जितलावे ना, जितलावे ना, बिल्कुल सही। सबसे बड़ी गल है जिसे जिसको नेकी की थी कही वो अपने मुंह कवे के जी उसने मेहनत ले। तोड़े अजीब तोने एक दफा वत बड़ी खूबसूरत गल करके इस शो दी यू नो अदबी ते तालीमी ते मतलब हर लिहाज नाल एनु कवर किया है। मेरे को एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मैं उरूज बात कर रही हूँ पेशावर से। जी उरूज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत है जी? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? आपकी तबीयत आज कुछ थोड़ी हाँ थोड़ा सा डाउन हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बात चलती रहे। जनाब नहीं भी, आप अपना बहुत बेस्ट एफर्ट पुट करें जिसकी वजह से फिर मुझे कॉल करनी पड़ी। थैंक यू सो मच, थैंक यू माशाल्लाह। हमेशा की तरह आपका टॉपिक आज भी बहुत ज्यादा जो है वो इम्प्रेसिव और काफी डिस्कसिव है। बहुत शुक्रिया। नेकी करते वक्त हमेशा चाहिए आपको ये सोचना चाहिए कि आपको सबसे आगे निकलना है, और ये ख्याल रहना चाहिए कि आप बहुत बेहतरीन हैं, तभी आप कुछ नेकी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्या खूबसूरत बात है, ठीक है। और दूसरा मैं इसको ये जो है वो कोर्ट में समराइज करना चाहूंगी कि नेकी करके जो आप अपनी नेकी दरिया में डाल देते हैं,
तो मुश्किलात में वही नेकियां बनकर आपको सहारा देती है। क्या खूबसूरत बात है अरूज साहिबा, बहुत शुक्रिया तुमने कॉल की है, बड़ी मेहरबानी तौर पर थोड़े सारे का बहुत शुक्रिया। एक और गल बड़ी मनु इंपॉर्टेंट पे लग दिए कि जनाब नेकी कर कर बड़ी उमदा गल है पिशोरियो, लिख लो अपने पास, लिख नहीं सकते हो मोबाइल कट लो अपने स्टेटस से पा देना ठीक है, बिकॉज बताना कि यार पिशोर साढ़े एक शाह जी है उन्हें एक गल की है कि अगर नेकी करके तुमने खुदा बनना है तो नेकी ना करके तुम इंसान बने रहो जनाब। मैं ऐसी इस शो की थीम लाइन है वे, अगर नेकी कर कर किसी ने खुदा बनना है तो मेरी अर्ज है, मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तिमास है कि अगर वो नेकी ना करके खुद नू इंसान ही बना रहने दे। इस अज दे शो दा जरा मकसद आया वो यही आया कि तुमने इस गल नू इंडोर्स किया है कि जनाब लोग नेकी कर दें लेकिन अगर तुमने नेकी की जितलानी है तो उससे बहुत अच्छा है कि जनाब अल्लाह एक अगला इंसान ही रहे ठीक हो गया। इससे अलावा मुजफ्फर शाह जी ने बड़ी खूबसूरत गल की थी कि जी अल्लाह ताला ने तुहानू साहिब सरवत किया है, हजरत अली फरमाते हैं कि लोगों का तुम्हारी तुमसे अपनी हाजात के लिए वाबस्ता होना अल्लाह ताला की नेमतों में से एक है और अल्लाह ताला ही उसका अजर देगा। मेरे को कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब किधर पे गल कर रहे हैं जी? आज एक बात बोल रहे गुलबहार सी जी। अली भाई किसने को ठीक ठाक हो खैरियत है जी? शुक्र जी शुक्र अल्लाह बहुत करूँ मैं, अल्लाह ताला बहुत एहसान है, बहुत शुक्र है जी, बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। कल मैं आए हैं गुलबहार जनाब, इतना रश होता है गुलबहार इसके आने का दिल नहीं चाहता जी बिल्कुल ही जी जी। अच्छा एक जी मैं फरमा रहे जी कि देगी कर दरिया में डाल जी जी भी अल्लाह ताला कबूल करे। एक जी गया आज से, अच्छा आज तक गया वहां पे उसे एक बड़ी ज़ईफ उम्र रन रही तो तवाफ कर रही सरिवाल के इलाके की जहाँ एक पुत्र आया वो भी बड़ा ज़ईफ आया वो भी तवाफ पे कर दिया लेकिन मां से बचा था कि मेरी मां ठहरना पड़े ठीक है। मैंने बड़ा उसका ख्याल किया है मैं आगे हो गया तेरे पुत्र मैं कि तू पीछे हो, अच्छा उन्हें पीछे आके मां का ख्याल किया मैं आगे रश में बचाता रही हाँ वो सारे सच चक्कर तवाफ से पूरे किए अल्लाह शुक्र है उन्होंने मेरे से पहले एक चक्कर मुकाया है। क्या खूबसूरत बात, पहले चक्कर हुए ये सब चक्कर पूरे हुए तो आज वो माई जान लगी है समा मरवा वाल तो मैंने कहा अमी जी मेरे से दुआ था कर ना कोई तो उन्होंने मुकाम इब्राहिम को खोला के मेरे से दुआ की थी जो जो दुआ की थी रब्बिल आलमीन जात ने उस बात मैंने तीन हज की थे छह उम्र की थे। क्या खूबसूरत माशाल्लाह 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 जी मैं नौ दफा उसी बात देखी हूँ जी क्योंकि एक बात है तुमने अजर अल्लाह से मंगाया इंसान से नहीं मंगाया जी गलत है रब्बिल आलमीन देख सकती है किसे नेकी करो अल्लाह ताला अजर दे। क्या खूबसूरत बात है क्या खूबसूरत बात है तो अल्लाह ताला ने मुझे नौ दफा अपने घर से बुलाया है। अली साहब तुसी साढ़े से खास दुआ करो क्योंकि वजह है वे कि तुसी खाना काबा का दीदार कर चुके हो साढ़े वसे साड़ी पूरी कौम वसे पूरे इनकोवान मेरे इस पूरी खानदान वसे बहुत दुआ करना जी। मेरे को कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा किधर पे गल कर दें जी? चाची मायरा बात कर रही हूँ पिशावर से जी। मायरा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं खैरियत है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाची, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। दिस इज योर वॉइस चाची। यू सिलेक्टेड सच अ नाइस टॉपिक एंड आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। जी प्लीज ऐड समथिंग। चाची नेकी मोस्टली हम लोग अपनों के साथ ही करते हैं ठीक है, हम अगर बेसिकली देखें जाए तो हम अपनों के साथ ज्यादा नेकियां करते हैं। बिल्कुल ठीक है राइट। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नेकी हमने आपके साथ किया आप भी वही हमारे साथ करें। बिल्कुल ठीक है। हम उसके बदले सिर्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, इज्जत चाहिए सर और कुछ नहीं चाहिए। एक्जेक्टली, लोग इज्जत चाहते हैं, ये नहीं कि आप हमने जो आपकी नेकी की हमने किया आप भी वही करें। इंसान को सिर्फ रियलाइज करवाना चाहिए कि व्हेन नो वन स्टूड बिसाइड यू आई वाज देयर टू हेल्प यू। हाँ जैसे आप करेंगे। अरे क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। एग्जैक्टली। अच्छा आज का शो आप देख रही हैं, कुछ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा सर जी, हम पूरी फैमिली इनफैक्ट वेट करते हैं होल वीक हम आपका शो देखेंगे। इट्स सच अ नाइस फैमिली शो। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मायरा साहिबा, तुमने वक्त अपनी मसरूफियात से टाइम मेरे को कॉलर भाई विधि चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब किधर पे गल कर दें जी? असीस सदीकी मीना बाजार। सदीकी साहब कैसे हो जी? ठीक ठाक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है मीना बाजार दे रेट बड़े उठे हो गए जी, जे दादा ने केड़े काम जी बड़े उच्चे हो गए, तुसी इच्चे कोते लगाओ ना सारे को। सुना जी मरला 60 लाख रुपया दे पहुंच जाए के बांट जी साडा। हेलो ना ना इतना भी पहुंचे जी ला अल्लाह नहीं पहुंचा चल अल्लाह खैर। अच्छा ये बताओ आज दा शो में देख दियो जी मैं भी आवे। हेलो
ओके जनाब जो भी कॉल करो काइंडली अपने टीवी सेट की आवाज ऐसे करो. आई एम लिविंग ऑन अ ब्रेक गाइस एंड आई विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. माय पीपल दो नेकी कर दरिया में डाल. एक और सेगमेंट मैंने ऐड कर दिया इसमें और वो ये है कि जनाब आज हम हर प्रोग्राम के बाद एक शेर पढ़ा करेंगे और उस शेर में आपसे हम बात करेंगे. एक शेर जो आज का असी सुनासी है वो शेर उसी के ये खत उस गुलदान के नाम जिसका फूल कभी हमारा था. असी हर प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट एक शेर पढ़ सी जिदा मकसद उसी कि जनाब असी इस शेर व शायरी का भी जरा मिजाज रखिए. ये खत उस गुलदान के नाम जिसका फूल कभी हमारा था अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो उसे अच्छा नहीं लगता क्या कि जब वो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना और अगर माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना. दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है उसकी इन मासूम अदाओं में उसकी खुशियां बंद. एनी हाउ जनाब थोड़े मैसेज मेरे को अलम शाह जी योर शो इज़ गुड इट्स अ फैमिली शो एंड वी रियली इंजॉय योर शो. अल्लाह आपको ज़िंदगी दे. बहुत शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया तुमने इतनी इज्जत दा इतने प्यार दा बहुत शुक्रिया. रिमला नमक मंडी से आज के मौजू के हवाले से बस इतना कहती हूँ कि अच्छा हुआ कि आपकी पहचान हो गई. अच्छा किया कि आपने अच्छा नहीं किया. अरे क्या बात है यार दोबारा पढ़ेंगे. अच्छा हुआ कि आपकी पहचान हो गई. अच्छा किया कि आपने अच्छा नहीं किया. असा सालिख मखदूम थोड़ा शो बहुत आला वे कीप डूइंग दैट. थैंक यू जनाब सो मच. सलाम शाह जी आपका प्रोग्राम बहुत आला है हम हमेशा देखते हैं और आज का टॉपिक तो ज़बरदस्त है. ये तो नेकी करेंगे और आगे करते जाए जीते नहीं बल्कि इतना ही कहना चाहूंगी. मायरा ए बात थैंक यू मायरा ए बात साहिबा आपका सपोर्ट थोड़ा प्यार थोड़ा इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को कॉलर. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जनाब. कौन साहब कितने रुपए गल करते हैं जी. मोहसिन अगजी असफंदियार अली शाह भैया बोल रहा हूँ. जी जी शाह साहब किसन को जी ठीक ठाक हो खैरियत है जी. बिल्कुल ठीक ठाक तुम्हारिया दुआवा तुसी अच्छे हो जी. मैं तुम्हारा खास ताबेदार हूं शाह साहब. ए बताओ आज दा शो में देखते हो जी. मैं बिल्कुल भी देखना जी. आज दा शो मने दे जरा लेट ज्वाइन कीता है. बिल्कुल ठीक है लेकिन तुम्हारे टॉपिक आज दा इस तरह दा आया कि जिस दो ते मने किया मैं अपनी भी कोई व्यूज जड़ा है ते दे देवा. प्लीज अगर प्लीज ए तुम्हारा शो है तुसी जड़ी राय देना चाहो खुल के दियो जी. अगर जी देखो सारिया ने जड़ा है ते गल ते कीती है कि नेकी करनी चाहिए लेकिन जितना शो मने देखा है सब ने किया कि उसका रिटर्न भी मिलना चाहिए. ठीक है लेकिन मेरे ख्याल दे विचकार रिटर्न इंसान सी लेने दे बजाय उसनु अल्लाह ताला सी मंगना चाहिए. क्या खूबसूरत बात है. ते देखो तुमने जड़ी गल कीती है कि नेकी कर दरिया में डाल. हुण ओ नेकी दे हर किसी का अपना व्यू है. मेरा व्यू है वेशा जी के उस नेकी नु तुसी करके नेकी दे दरिया च पा देंदे हो. देखो ठीक है वो नेकी दा दरिया जाके नेकी दे समुंदर च मिल जांदा है. आहा क्या अरे वाह अरे वाह क्या खूबसूरत बात. तुम जड़ा है तो अल्लाह पाक देंदा है जी इंसान ते नहीं देंदा. इंसान दा तानू जी एक वक्त दी रोटी नहीं खवा सकदा जी. ये गल है कि नहीं है. आगा बिल्कुल जी बिल्कुल इसी तरह की गल है. अल्लाह पाक से अजर मंगना चाहिए जी उस नेकी का. अल्लाह पाक उसका दरिया के हिसाब से अजर देता है तुम्हें उस नेकी का. बिकॉज वो दरिया अगर समंदर मिल जाता है तुम्हारी बड़ी खूबसूरत गल लगी है मनु. हेलो बिल्कुल जी बिल्कुल शाह जी बिल्कुल. अगर जी तुमने टाइम कढ़ाया तो बड़ी कीमती गल की है कि देखो जी अतवंदियार साहब बड़ी मेहरबानी. मैं बड़ा पसंद करना पिशोरियां अपने जो तो पढ़ी लिखी गल आती है जो तो अजी गल आती जी जी मेरी दिमाग भी नहीं गई. एक और कॉलर है मेरे को. सलाम अलैकुम जी. हेलो सलाम अलैकुम. सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम जनाब. कौन साहब किधर पे गल कर दें जी. शाह जी एलिया काजमी. एलिया काजमी आओ काजमी साहब किसने मुझे ठीक ठाक हो खैरियत है जी. शुक्र ठीक ठाक. शाह जी सुनाए आपका प्रोग्राम देख रहे हैं बैठ के. आप मुझे उस दिन मिले थे आपने कहा था मैं कॉल करूंगा और मैं इंतजार में था उसके. देख लिया मैंने बस मिला भी और देखे. अच्छा, एलिया थोड़ी सी टीवी की आवाज आहिस्ता कर दियो ताकि थोड़ी आवाज सुन सका मैं. ठीक है जी हो गई है जी. जी ये बताओ आज दा शो पे देख दियो क्या कहना चाहो मनु.
बहुत जबरदस्त शो है शाह जी, बहुत जबरदस्त शो। बस आप थोड़ा जरा भी प्रोग्राम आंदे बस देखने है शाह जी ते थोड़ी रुपैया भी मिस करने पे। अच्छा ये बताओ केड़ी शय अच्छी लगदी है मेरे प्रोग्राम दी, केड़ी शय तौर पसंद है? तुसी पसंद हो जी। अच्छा मैं ही पसंद है, बहुत अच्छा यार। अच्छा मुर्दे का कॉलर बॉलर पसंद हूं लेकिन मैं पसंद है, ठीक है जी। और शाह जी जनाब तुमने बड़ी तकलीफ की है, आज तुमने अपना बैलेंस आया किया है ना। बहुत शुक्रिया जी कादमी साहब, अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी देवे। मेरे शाह साहब इस्पंजार बादशाह ने भी गल की है, जनाब ये दरिया आगे जाके समंदर से मिलता है लोगों का, अपनी जरूरियात से तुमसे वाबस्ता हो जाना ना अल्लाह की फरावानी में से एक है, अल्लाह ताला की नेमतों में से एक है। मतलब जितना हो ना यार कर छोड़ा है जाने दियो, अल्लाह खैर करती। आगे चल जी, अस्सलाम वालेकुम शाह जी, तुहाड़ा प्रोग्राम टापो टाप है। अच्छा बहुत अच्छे यार, मैं वीकेंड ते इस्लामाबाद से पिशोर आना वा, तुहाड़ा प्रोग्राम फैमिली दे नाल बैठ के देखना ते बहुत इंजॉय करना, ते मेरा सलाम देना जरा मेरी बाजी नू गुलबार नंबर 4। अरे वाह, गुलबार नंबर 4 जिहड़ी बाजी एसन इबाद फ्रॉम चौक शादी पीर, इन्हां दा सलाम है अपनी बाजी नू जिहड़ा गुलबार नंबर 4 रहिंदी। बहुत अच्छे यार। एसन भाई देखो जी, मुझे पता है कि यार पिशावर में हिंदकों में इतना काम नहीं हुआ, लेकिन हुआ है तो उस क्वालिटी का नहीं हुआ। मेरी कोशिश होती है कि वह गल करा जिड़ी लोगों की दिलों की गल है, जड़ा उन्होंने मुआशरे की गल है, जिड़ी उन्होंने कार्यकार की गल है जी। शामी कबाब तो अंडे वाला बर्गर मनु भी पसंद है जनाब, ठीक है। तो इसमें मतलब कोई फेकनेस नहीं है, जो मैं हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। एनी हाउ जी, अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आई एम सारा From Peshawar, Shaji, how are you? Today's topic is very good, and your performance is very awesome. You are pride of all Hindko One and Pakistan. Award bhi de diyo Manu ji, bhai. Theek hai ji. Assalamu alaikum, Shaji. Meri guzarish hai ki jab koi kissa kuch ho, to ek haath se de, dusre haath ko pata na chale. Salam, Shaji. Abbas Kazmi is here. Nice show. Thank you, sir. Salam, Mohsin sir. Like your show, and may you get well soon. Huria from Reti Bazar. Thank you, Huria. Assalamu alaikum, Raja Yasin from Dahab, Chakwal se. Behtareen program, behtareen shaksiyat, behtareen performance. बेहतरीन अल्फाज चकवाल जनाब, मैं अपना फर्ज अदा करते इस स्टेज ते खलो के ते तुहाने इस कारवान नल मेरे नाल चल कर एक नवी तारीख रकम करनी, बिकॉज सासियां पिशोरी जनाब असी नहीं कबूतरबाज। अपना ख्याल रखो, एंड आई विल मीट यू टुमारो एट 7 PM, दिल पिशोरी। अस्सलाम वालेकुम माई पीपल।